दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को आईपीएल 2018 के 31वें मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम के तहत 5 रनों से हरा दिया। दिल्ली और राजस्थान रॉयल की टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले में कई शानदार और दिलचस्प रिकॉर्ड बने हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। दिल्ली डेयरडेविल्स की राजस्थान रॉयल्स पर ये 7वीं जीत थी। इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल 17 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से 11 मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीते हुए थे, वहीं 6 मैच दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने जीते हुए थे। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में दिल्ली की राजस्थान पर 4वीं जीत थी। इससे पहले इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें दोनों ही टीमों ने 3-3 मैचों में जीत हासिल की थी। दिल्ली और राजस्थान का ये मैच का नतीजा भी डकवर्थ लुईस नियम के तहत निकला है, और इससे पहले भी आईपीएल 2018 के हुए पहले मैच में दोनों टीमों का नतीजा डकवर्थ लुईस नियम के तहत ही निकाला गया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत दिल्ली को 10 रनों से हरा दिया था। जोस बटलर ने 4.1 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। सबसे कम ओवर के मामले में ये आईपीएल का दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले केएल राहुल ने 2.5 ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। जोस बटलर ने 18 बॉलों में आज अपना अर्धशतक बनाया। ये राजस्थान के खिलाड़ी का सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले राजस्थान के लिए ओवेस शाह ने 19 गेंदों में 2012 में सबसे तेज अर्धशतक लगाया था। पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत तीनों ने ही 40 से ऊपर रन बनाए हैं। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 23 साल से कम उम्र के 3 खिलाड़ियों ने एक ही टीम के लिए 40 के ऊपर रन बनाए हों। ऋषभ पंत ने आईपीएल में 6 अर्धशतक बना दिए हैं और 23 साल से कम उम्र में 6 अर्धशतक बनाने वाले ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा के 5 अर्धशतकों को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली की टीम को राजस्थान से पिछले 7 मैचों में हार मिली थी, लेकिन आज ये सिलसिला दिल्ली की टीम ने तोड़ दिया है।